हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गूगल एनालिटिक्स पे कैसे अकाउंट बनाएं। सर्च कर लेना है गूगल एनालिटिक्स को। सर्च करने के बाद जो फर्स्ट लिंक होगा उसको ओपन कर लेना है। और हमारे सामने गूगल एनालिटिक्स की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। गूगल एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर वेबसाइट की ट्रैफिक को ट्रैक करने के लिए यूज किया करते हैं। फ्री सॉफ्टवेयर है। पे स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक कर लेना। उसके बाद हमें अपने अकाउंट्स की जो डिटेल है वो यहाँ पे फिल करनी है। सबसे पहले अकाउंट नेम एंटर करना है। हम अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद हमने नीचे आना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमने प्रॉपर्टी नेम देना है। और उसके बाद हमने रिपोर्टिंग टाइम जोन है वो सिलेक्ट कर लेना है। हमने इंडिया सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नीचे आके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमें अपनी बिजनेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे फिल करनी है। सबसे पहले हमने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी वेबसाइट की कैटेगरी है आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपका बिजनेस साइज स्मॉल, मीडियम, लार्ज, वेरी लार्ज जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और फिर नीचे अदर्स पे क्लिक करके क्रिएट पे क्लिक कर लेना। उसके बाद हमारे सामने टर्म एंड कंडीशन का पेज ओपन होगा। यहाँ पे हमने पहले कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है, इंडिया। उसके बाद नीचे जो है आल्सो एक्सेप्टेड पे टिक मार्क को सिलेक्ट कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करके नीचे वाले को भी सिलेक्ट करके और आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना। कम्युनिकेशन का ऑप्शन होगा, इसका सेव कर लेना। और फिर वेब वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पे हमें अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल देना है। यहाँ पे स्ट्रीमिंग नेम डाल देना है। और फिर क्रिएट स्ट्रीम पे क्लिक कर देना। उसके बाद हमारे सामने एक विंडो ओपन होगी। हमें नीचे स्क्रॉल करना है और ग्लोबल साइट टैग पे क्लिक करना। तो हमारे सामने एक कोड है, इस कोड को हमें अपनी वेबसाइट के हेडर में डालना है। इसे कॉपी कर सकते हैं, उस साइड में जो ऑप्शन बना हुआ है कॉपी का वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं और इसे अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर देना है। तो हमारी वेबसाइट पे जो गूगल एनालिटिक्स है वो लग जाएगा। आई होप अब आप गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।